जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश भाई गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम नाउन से रिलेटेड वो सभी कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो एग्जामिनर आपके एग्जाम में यानी कि जो यूपीटेट का एग्जाम है उसमें पूछता है। किस किस तरीके से नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ कहाँ से पूछेगा, वो सभी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। एरर इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कैवलरी हुआ, कैवलरी का मतलब घुड़सवार या फौज, कैटल हुआ, पुलिस हुआ, बर्मीन हुआ, पीजेंट्री हुआ यानी कि कृषि, पोल्ट्री या इन्फेंट्री इनको बोलते हैं मुर्गी पालन, चिल्ड्रन हुआ, जेंट्री हुआ, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग। याद रखना ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कैसे होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं, हमेशा प्लूरल बनते हैं, बहुवचन बनते हैं, और जब प्लूरल बनते हैं तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। दोस्तों याद रखना एस और ई एस लगाकर इनको और प्लूरल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो एग्जामिनर एस और ई एस लगाकर इनके साथ देगा या फिर वर्ब में कोई चेंज करके दे देगा। तो यहाँ पर कैटल का कैटल्स नहीं होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रंस होता है तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होगा, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द पुलिस, पुलिस यहां पर कैसा नाउन है, एक प्लूरल नाउन है, तो जब प्लूरल नाउन है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहां पर इज नहीं होगा, आर हो जाएगा, यानी कि जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है सी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज, नो एरर। आपको बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों यहाँ से भी एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी विशेषकर याद रखना। दोस्तों याद रखना अगर कोई नाउन दे रखा है सेंटेंस में और उनसे पहले ये न्यूमेरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन के लिए आते हैं, याद रखना नाउन के लिए आते हैं, यानी कि नाउन से पहले जो भी वर्ड्स आएगा वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव यानी कि जो नंबर बताते हैं वही न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। तो न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, पेयर हुआ, स्कोर हुआ, ग्रॉस हुआ, स्टोन हुआ, हंड्रेड हुआ, डजन हुआ, थाउजेंड हुआ, मिलियन हुआ, बिलियन हुआ, ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। यहां पर मैंने हिंदी भी लिख दी है कि पेयर का मतलब दो जोड़ा, स्कोर का मतलब 20, ग्रॉस का मतलब 144 या 12 डजन भी बोल सकते हैं, स्टोन का मतलब 6.35 केजी भी होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना दोस्तों अगर नाउन से पहले ये एडजेक्टिव वर्ड्स लग जाते हैं, कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने कहा कि मैंने अपने भाई की शादी में 2000 रुपये उड़ाए या 2000 रुपये उड़ाए, तो आप देख सकते हैं हज़ार यहाँ पर सिंगुलर वर्ड है, तो हज़ार यानी कि थाउजेंड, सॉरी यहाँ पर हंड्रेड लिख गया है, यहाँ पर थाउजेंड रुपी हो जाएगा, यानी कि मैंने अपने भाई की शादी में 2000 रुपये उड़ाए, तो 2000 मतलब 2000 रुपीज, बट हज़ारों रुपये उड़ाए तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, आप देख सकते हैं थाउजेंड में एस लग गया और उसके बाद ऑफ का यूज किया गया है। बट ऊपर वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ऑफ का ना तो यूज हुआ है और ना ही इस थाउजेंड, यहाँ पर हंड्रेड होगा, यहाँ पर थाउजेंड में एस और ई एस का यूज किया गया है। यानी कि एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, 3 डजन पेंसिल, 3 दर्जनों पेंसिल होती है या 3 दर्जन, तो आप कहोगे 3 दर्जन पेंसिल होती हैं। दर्जन हमारा कैसा है, वर्ड सिंगुलर है, तो डजन भी यहाँ पर सिंगुलर होगा। अब मैं कहूँ दर्जनों पेंसिल, तो डजन्स ऑफ, आप देख सकते हैं दर्जनों एक प्लूरल वर्ड बन गया, तो डजन्स यानी कि एस और ईएस लग जाएगा इसके साथ में, तो एस लगा दिया है, उसके बाद तुरंत हमने ऑफ लगाया है। तो यहाँ से एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करने के लिए कई बार क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जाम में दे चुका है, तो आप कन्फ्यूज मत होना। अब आते अपने क्वेश्चन पर। तो सी एच बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज, तो यहाँ पर आ आर्टिकल है, डजन यहाँ पर एक दर्जन कॉपीज होता है या एक दर्जनों कॉपीज होता है, आप कहोगे सर एक दर्जन कॉपीज होता है, तो डजन यहाँ पर ठीक है, ऑफ आएगा नहीं, क्योंकि डजन्स ऑफ कॉपीज होगा तब हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ओके, तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इंडियन फोर्स आर नॉन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटीग्रिटी। जो भारतीय फौज होती है वो जानी जाती है अपनी ईमानदारी और लॉयल्टी की वजह से। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आपका जो एग्जाम है कुछ ही दिनों बाद है, यानी कि 25 अराउंड आई थिंक डेज बचे हुए हैं, तब तक एक एक कॉन्सेप्ट मैं कवर कराऊंगा जो भी आपके सिलेबस में है। यहाँ पर आज नाउन सब खत्म हो जाएगा, नाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है वो सभी इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। बिल्कुल घबराइएगा मत, निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, एक होता है फोर्स, इसका मतलब होता है ताकत, क्या होता है ताकत, बल, और एक होता है फोर्सेस, इसका मतलब होता है आर्मी, ट्रूप्स या टुकड़ियाँ। याद रखना जब फोर्स में एस या ई एस लग जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स में एस लगा चुके हैं, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया, इसका मतलब होता है आर्मी, ट्रूप या टुकड़ियाँ। और एग्जामिनर आपको इसी तरीके से कन्फ्यूज करेगा, तो आप कन्फ्यूज मत होना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन फोर्स, इंडियन फोर्स नहीं होता है, इंडियन फोर्सेस होता है। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन, यानी कि जज ने ऑर्डर्ड दिया कि द आयरन ऑफ एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड मतलब दोषी जो है उसकी जो जंजीरें हैं वो हटा दी जानी चाहिए, शुड बी रिमूव्ड, यानी कि रिमूव कर दी जानी चाहिए। इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। यहाँ से भी कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, तो इसको विशेषकर याद रखना। तो जो कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, और एक होता है आयरन जिसका मतलब होता है जंजीरें, चेन या बेड़ियाँ। बस यानी कि आयरन में एस लगा दिया जाए तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे एयर में, अगर मैं एयर, हवा जो होती है उसका प्लूरल पूछूं तो एयर्स का प्लूरल क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। एयर का मीनिंग, अगर एयर में एस लगा दी जाएगा तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। हालांकि अलग कॉन्सेप्ट है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले वो कौन से वर्ड्स होते हैं जहाँ से एग्जामिनर आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको कन्फ्यूज करने के लिए, वो आने वाली वीडियोज में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर द जज ऑर्डर्ड दैट द आयरन, आयरन यानी कि लोहा नहीं हटाया, जंजीरें हटाई है, तो जंजीरों की जो स्पेलिंग होती है आई आर ओ एन एस लगा दिया जाएगा, यानी कि जो एरर होगा वो होगा पार्ट बी में, क्योंकि आयरन का मतलब लोहा होता है, आयरन का मतलब जंजीरें, बेड़ियां या चेन होता है। अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडीज एल्ज, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, और यहाँ से एग्जामिनर ने कई बार क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि याद रखना कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे समबडी, एनीबडी, समवन, नोवन, नोबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, अगर इनके बाद एल्ज आ जाए, दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनके बाद एल्ज आ जाए तो जो एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा वो एल्ज के ऊपर लगेगा। अगर इन वर्ड्स के साथ एल्ज दिख जाता है सेंटेंस में तो जो एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा वो इन वर्ड्स के साथ नहीं लगेगा, वो एल्ज के साथ लगेगा। ओके, तो आप आते अपने क्वेश्चन पर। तो आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडीज एल्ज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल्ज नहीं आएगा, एल्ज के ऊपर आएगा, तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी, डोरी बोलते हैं दहेज, याद रखना डोरी का मतलब होता है दहेज, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, वुमेन आफ्टर वुमेन स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डोरी, नो एरर, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सिप हुआ, अगर प्रीपोजिशन दे रखी है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यानी कि जो वर्ब से पहले आता है वो पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट में प्रीपोजिशन दे रखी है और उसके पहले कोई सिंगुलर नाउन या फिर उसके बाद भी सेम एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन दे रखा है, तो याद रखना ये एक यूनिट के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। याद रखना ये जो वर्ड्स है सिंगुलर ही होंगे, कभी इनका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। जैसे शिप का शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होगा, तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, शिप आफ्टर शिप हुआ, डे बाय डे हुआ, डेज बाय डेज नहीं बोलते हैं दोस्तों, दिनों वो दिन नहीं बोलेंगे, दिन व दिन बोलेंगे। ओके, टाउन आफ्टर टाउन होता है, मैन आफ्टर मैन होता है, यहाँ पर प्लूरल नहीं लगेगा, यहाँ पर सिंगुलर ही यूज होंगे। प्रीपोजिशन के लेफ्ट एंड राइट दोनों ही जो वर्ड हैं वो सिंगुलर यूज होंगे, और एग्जामिनर आपको प्लूरल में लगा कर देगा,
क्या लगा कर देगा, प्लूरल वर्ड लगा कर देगा, या तो दोनों में प्लूरल कर देगा या फिर किसी एक में कर देगा। तो इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ पर रो अपॉन रो हुआ, वुमेन आफ्टर वुमेन हुआ, तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो वुमेन आफ्टर वुमेन, एग्जामिनर ने क्या किया है, वुमेन को प्लूरल कर दिया है, तो यहाँ पर सिंगुलर होगा, वुमेन आफ्टर वुमेन होगा, तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माई ब्रदर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अब कवर हो चुका है, तो जो आंसर है इस सेंटेंस में आपको मिल चुका होगा कि किस पार्ट में एरर है, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होता है। ओके अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट है, अगर वो वीडियोज को नहीं देखा है जहाँ पर मैंने एक मिनट में हर एक कॉन्सेप्ट को आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट है वहाँ पर एक मिनट में कवर किया है, तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो दोस्तों कुछ वर्ड्स होते हैं और ये वर्ड्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी वर्ड्स को कलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सीनरी हुआ, पोइट्री हुआ, फर्नीचर हुआ, एडवाइस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, हेयर हुआ, बिजनेस हुआ, मिस्चीफ हुआ, ब्रेड हुआ, स्टेशनरी हुआ, क्रॉकरी हुआ, लगेज हुआ, बेगेज हुआ, पोस्टेज हुआ, नॉलेज हुआ, वेस्टेज हुआ, ज्वेलरी हुआ, ब्रेकेज हुआ, इक्विपमेंट हुआ, वर्क हुआ, एविडेंस हुआ, वर्ड हुआ, फ्यूल हुआ, कॉस्ट हुआ। याद रखना दोस्तों ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको ये कैसे होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यानी कि जो वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका कभी ए और एन लगाकर सिंगुलर नहीं बनाया जाता, और एस और ईएस लगाकर भी उनका कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। विशेषकर इस बात को याद रखना, अगर आपको इन सिंगुलर वर्ड्स का यानी कि इन वर्ड्स का सिंगुलर मीनिंग देना है तो आप पीसीस ऑफ लगाकर यानी कि आप पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, या फिर इनका प्लूरल बनाना है तो ऑल पीसीस ऑफ लगाकर इनका ऑल पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। बट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एस और ईएस का यूज नहीं किया गया है, यानी कि टोटल मिलाकर कहने का मतलब ये है मेरा कि ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और जो वर्ड अनकाउंटेबल होगा, जो जिसे हम गिन नहीं पाते हैं, जिसे गिना ना जा सके, उसके साथ कभी भी ए एन और एस ई एस लगाकर सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ओके जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी है इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होता, तो इस बात को भी आप विशेषकर याद रखना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द सीनरीज, आप देख सकते हैं सीनरी का सीनरीज कर दिया है एग्जामिनर ने, जो गलत है, सीनरीज का सीनरी होगा, तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ही टेक्स ग्रेट पेन ओवर हिज वर्क, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है पेन जिसका मतलब होता है दर्द, और एक होता है पेन जिसका मतलब होता है एफर्ट, प्रयास या हार्ड वर्क। ओके तो यानी कि अब आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ही टेक्स ग्रेट पेन, तो यहां पर आप देख सकते हैं पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, यहाँ पर हमें पेंस करना है, यानी कि इसका मतलब होता है एफर्ट, प्रयास। ओके तो यहाँ पर जो एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स, जो गुस्सैली भीड़ थी उसने पुलिस ऑफिसर पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। यहाँ पर आपको बताना इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होती है मॉब और एक होती है क्राउड, इन दोनों का मतलब होता है भीड़ से, यहां पर मॉब का मतलब होता है गुस्सैली भीड़, यहां पर मैंने भीड़ लिखना भूल गया हूं, तो यहां पर मॉब का जो मतलब होता है गुस्सैली भीड़, और क्राउड यानी कि जो नॉर्मल भीड़ होती है जो आपके आसपास चारों ओर देखने के लिए मिल जाती है, बट गुस्सैली भीड़ यानी कि मॉब किसे बोलते हैं, जब कोई धरना प्रदर्शन करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, है ना, जब तोड़फोड़ कर देते हैं तो उसे हम गुस्सैली भीड़ बोलते हैं, जिसमें भगदड़ मच जाती है। तो यहां पर अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द एंग्री मॉब, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंग्री लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो यहाँ पर द मॉब का ही मतलब होगा गुस्सैली भीड़, मॉब द अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर, जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। यहाँ से कई बार एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस,
थ्राइस, मतलब मैंने विजिट किया राम के और सीता के घर पर 3 बार, बट फाउंड द कपल एबसेंट, यानी कि एक दो बार वो एबसेंट पाई गई, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहां से भी कई बार आपके एग्जाम में एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नाउन से रिलेटेड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहां से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो है, याद रखना, अगर एंड से दो नाउन जुड़े हों और दोनों का पजेशन किसी एक ही थिंग या वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट पर हो, तो जो एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा वो दूसरे वाले नाउन पर लगेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एंड से दो नाउन जुड़े हों और दोनों का पजेशन किसी एक चीज या ऑब्जेक्ट पर हो, तो जो एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा वो दूसरे वाले नाउन पर लगेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस, तो यहां पर आप देख सकते हैं राम का और सीता का इस घर पर एक तरीके से पोजीशन हो रहा है। तो यहां पर राम के ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ सीता के ऊपर लगेगा। तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू आर नॉट सिंसियर, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि याद रखना, नीदर ऑफ हुआ, इधर ऑफ हुआ, वन ऑफ हुआ, ईच ऑफ हुआ, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं इनके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, और जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। अब आते अपने क्वेश्चन पर। वन ऑफ, आप देख सकते हैं वन ऑफ आया है, और वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, यानी कि एस लग जाएगा। तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। ओके, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इज यहां पर ये जो आया है वो वन के अकॉर्डिंग आया है, क्योंकि यू के बाद तो आर आना चाहिए, तो यहां से भी यू के बाद आर लगाकर एग्जामिनर दे सकता था आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इस बात को भी आपको विशेषकर याद रखना है। ये सभी कॉन्सेप्ट मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्ज, नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग चुका होगा कि इसमें क्या एरर है, क्योंकि समबडीज के साथ अगर कोई एल्ज आ जाता है, यानी कि समबडी, एनीबडी, है ना, नोबडी, या भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, तो जो एल्ज पर एपोस्ट्रॉफी एस आएगा कहां आएगा, एल्ज पर आएगा। ओके, तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दे लेफ्ट लगेजेस एट होम बाय मिस्टेक एंड बेंड टू द रेलवे स्टेशन, यानी कि वो अपना जो सामान है वो बाय मिस्टेक घर पर छोड़ गए और कहां पर चले गए, रेलवे स्टेशन पर चले गए। तो यहां पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सीनरी हुआ, पोइट्री हुआ, फर्नीचर हुआ, ये जितने भी वर्ड्स हैं अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि इस कॉन्सेप्ट का क्या है मतलब। तो आई थिंक आपको पता लग चुका होगा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो लगेजेस कहीं नहीं होता, वर्ड लगेज होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा सामानों आपके सामानों से भारी है, आप यही बोलोगे कि मेरा सामान आपके सामान से भारी है, यानी कि सामान एक सिंगुलर वर्ड है। तो इसलिए यहां पर सामानों नहीं कह सकते, लगेज का लगेजेस नहीं कर सकते। तो यहां पर जो एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, माय कजिन ब्रदर इज इनवाइटेड मी टू, मेरी चचेरी भाई ने मुझे इनवाइट किया अपनी बर्थडे पार्टी में। तो यहां पर आपको बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्ड्स होते हैं जो सुपरफ्लूअस होते हैं, जो हम आमतौर पर नॉर्मल बोलचाल भाषा में बोलते हैं तो गलत यूज करते हैं। तो दोस्तों कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर कभी नहीं होता, ओनली कजिन होता है। ड्यूरिंग द पीरियड कभी नहीं होता, ओनली ड्यूरिंग होता है। काइंडली रिक्वेस्टेड कभी नहीं होता, रिक्वेस्टेड होता है ओनली।
कोवार्ड मैन कभी नहीं होता, कोवार्ड का ही मतलब होता है कायर या कायर आदमी। बिग ब्लंडर कभी नहीं होता, ब्लंडर होता है पिक पॉकेटर यानी कि पॉकेट मार जिसे बोलते हैं, कभी पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। बैड ड्रीम जिसे हम बुरा सपना बोलते हैं, लोग आमतौर पर नॉर्मल बोलचाल भाषा में बोल देते हैं कि बैड ड्रीम यानी कि बुरा सपना, नहीं ये गलत बोलते हैं, क्या होता है नाइट मेयर होता है जिसके हम बोलते हैं बुरा सपना। ओके अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई कजिन ब्रदर, तो यहाँ पर ब्रदर नहीं आएगा क्योंकि कजिन का ही मतलब होता है कजिन ब्रदर या सिस्टर, तो यहाँ पर जो एरर होगा वो होगा पार्टी में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप। वर्मिन का मतलब कीट पतंगे, जो मच हार्म मतलब बहुत ज्यादा हानि पहुंचाते हैं क्रॉप्स का मतलब फसलों को, तो यहां पर आपको बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो आई थिंक आपको आंसर मिल चुका होगा। ये देख सकते हैं आप कैवलरी हुआ यानी कि घुड़सवार फौज जिसे बोलते हैं, पुलिस हुआ, कैटल हुआ, बर्मिन पीजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये प्लूरल होते हैं, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। और जब प्लूरल होते हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, एस और ईएस लगाकर इनका और प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल वर्ड्स होते हैं। कैटल का कैटल्स नहीं कर सकते, चाइल्ड चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं कर सकते। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर वर्मिन डज नहीं होगा, वर्मिन डू हो जाएगा, जो एरर होगा वो होगा पार्टी में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द बेबी लव्स हर पेरेंट्स, फाइंड आउट एरर, आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, द बेबी में, इस वाले पार्ट में एरर है, लव्स में यानी कि वर्ब में एरर है, हर में यानी कि एडजेक्टिव में एरर है, पेरेंट्स में यानी कि ऑब्जेक्ट में एरर है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा है और ये इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको विशेषकर अपना ध्यान में रखिएगा और बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या कॉन्सेप्ट है, याद रखना, जब जेंडर डिसाइड ना हो तो हम हिज, हर और इट में से किसको प्रायोरिटी देते हैं, हिज को प्रायोरिटी देते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। बातें अपने क्वेश्चन पर, तो द बेबी, बेबी हमारा क्या मेल या फीमेल कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं, आपके बेबी यानी कि जो बच्चा होता है वो मेल होता है या फीमेल होता है, तो जेंडर जब डिसाइड ना हो तो याद रखना, अभी मैंने आपको बताया कि हर, हिज, इट में से हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, हिज को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि जो एरर होगा वो हर में होगा, यहाँ पर हर ना होकर हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टीचर टीचेस हर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है, वही कॉन्सेप्ट है अभी मैं जो आपको बता चुका हूँ, द टीचर पार्ट में एरर है, टीचेस में एरर है, हर में एरर है, स्टूडेंट्स में एरर है। तो टीचर यहाँ पर हमें कोई डिसाइड नहीं है कि टीचर है मेल है या फीमेल है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं टीचर, ठीक है, तो यहाँ पर हर नहीं होगा, हिज हो जाएगा, तो जो एरर होगा वो होगा पार्ट सी में। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, ना इस गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो दोस्तों याद रखना, जब किसी चीज से कुछ बनाए जाने की बात हो, इस गोल्ड से रिंग के बनाए जाने की बात हो रही है, तो वो हमारा किस में काउंट होता है, मटेरियल नाउन में काउंट होता है। और याद रखना, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूँ, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, तो याद रखना यहां पर जो गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि प्रीसियस है गोल्ड, सोना जो है बहुमूल्य धातु है, ये पूरी दुनिया में बहुमूल्य, ऐसा नहीं कि अमेरिका वाले या जापान वाले गोल्ड को उतार कर फेंक देते हैं तो लोहा पहन लेते हैं, नहीं, इंडिया में अगर गोल्ड प्रीसियस है तो बाहर देश में भी गोल्ड प्रीसियस होगा। तो यहाँ पर जो गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कॉमन नाउन है, बट ऊपर वाले सेंटेंस में गोल्ड के कुछ बनाए जाने की बात हो रही है, यानी कि सोने से, इस गोल्ड से रिंग बनाए जाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। तो यहाँ से आप कन्फ्यूज नहीं होना है, बच्चे मटेरियल नाउन को टिक कर देते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होगा, स्ट्रॉन्गली होगा, स्ट्रॉन्गनेस होगा, स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथन होगा। यहां से आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने पूरी जोर कोशिश की है, वो बच्चे गलत करते हैं, बच्चे सोचते हैं बस हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया नाउन के बारे में, नाउन इज अ पर्सन प्लेस और थिंग, बस हो गया, नहीं दोस्तों, नाउन के ये जो कॉन्सेप्ट है आप देख सकते हैं कि अभी 20वां क्वेश्चन चल रहा है और इस तरीके से हमने 20 कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ड में, कुछ वर्ड में ट्यूड लगा हो
नाउन होते हैं, कुछ वर्ड में एनी डबल एस यानी कि नेस लगा हो वो नाउन बन जाता है, कुछ वर्ड में हुड लगा हो तो वो नाउन बन जाता है, कुछ वर्ड्स में टी आई ओ एन या एस आई ओ एन लगा हो तो वो नाउन बन जाएगा, कुछ वर्ड में टी एच लग गया जैसे जैसे ग्रो का नाम ग्रोथ होता है। ओके तो यहां से एक बार ये ग्रो वाला क्वेश्चन आया तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना, वर्ड में ए एन सी ई या ई एन सी ई लगा हुआ दिख जाए तो वो नाउन कहलाया जाएगा, वर्ड में आई टी वाई लग जाए या वर्ड में एम ई एन टी लग जाए जैसे मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ है ना, इक्विपमेंट हुआ, तो ये सभी चीजें क्या है नाउन की श्रेणी में आती हैं, ये सभी नाउन बन जाएंगी। तो अब आते अपने क्वेश्चन पर, तो यहां पर दे रखा है स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रेंथ हो जाएगा यानी कि जो करेक्ट एरर होगा, स्ट्रॉन्ग में टी एच लगा दो स्ट्रेंथ हो जाएगा। ओके तो आई थिंक ये हमारा क्वेश्चन के सभी कॉन्सेप्ट थे जो आपको पसंद आए होंगे, और यहाँ से एग्जामिनर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपके यूपीटेट के एग्जाम में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं या पहली बार मेरे चैनल की वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिए, इससे क्या होगा मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँ उन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर शॉर्ट्स करके एक प्लेलिस्ट होगी और उन शॉर्ट्स के माध्यम से एक एक मिनट में हर कॉन्सेप्ट को कवर किया है जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं या शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।